नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन में आई धामी सरकार के बचाव करते नजर आए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट। उन्होंने सरकार के एक्शन को बचाव करते हुए कहा है कि हमारे प्रदेश में सीमित भूखंड है और ऐसे में अगर इस पर कोई अवैध तरीके से कब्जा कर ले तो फिर कार्रवाई के लिए भी उसे तैयार रहना होगा। बीजेपी सरकार किसी को भी सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा नहीं जमाने देगी। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि अगर कोई अवैध कब्जा करेगा तो उस पर सरकारी कार्रवाई ही होगी। आखिरकार हमारा सीमित भूखंड है, विकास के कार्य भी हो रहे हैं, बड़ी संख्या में सरकारी भूमि पर कब्जा करना ये कम से कम किसी भी भारत के नागरिक को उचित नहीं लगना चाहिए। और मैं कह सकता हूँ कि ठीक है, बहुत से लोगों को दिक्कतें भी हैं, छोटे छोटे अपने खोखे थे, कुछ समस्याएं उस रूप में रही हैं, उनके आगामी दिनों में क्या समाधान निकलता है इसके विचार भी सरकार करेगी। लेकिन अभी जहाँ भी अतिक्रमण है, चाहे वो मजार के नाम पर है, चाहे दूसरे विषयों को लेकर है, ये सारे अतिक्रमण हटाने का जो काम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं उसकी सराहना राज्य के अंदर हो रही है। वहीं देहरादून में सूबे के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों को निर्माणाधीन कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग करने का स्पष्ट निर्देश दिया है। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि विभाग के अंतर्गत तय समय पर निर्माण कार्य को पूरा कराएं। जिन निर्माण कार्यों को अभी तक शुरू नहीं किया गया है उनकी सभी औपचारिकताओं को शीघ्र ही शुरू कराया जाए। डॉक्टर रावत ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सेक्टर के तहत विभाग में कई निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिससे कि ग्रामीण निर्माण विभाग के पास 13 विभिन्न निर्माण कार्य, उत्तर प्रदेश राज्य के निर्माण निगम के पास 7, पेयजल निगम के पास 9 और हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के साथ कुमाऊं मंडल विकास निगम को 1-1 निर्माण कार्य दिए गए हैं, जिसके लिए राज्य सरकार ने अब तक विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं को अनुबंध के रूप में अनुमय धनराशि अवमुक्त करती है। उन्होंने कहा है कि निर्माण कार्यों को यदि तय समय पर पूरा नहीं किया जाएगा तो संबंधित कार्यदायी संस्था के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत ने शांति कुंज के देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान वह विश्वविद्यालय द्वारा वसुधैव कुटुंबकम थीम पर आयोजित 2 दिवसीय व्याख्यान मेला, आपको बता दें कि व्याख्यान माला के मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। मोहन भागवत ने शांति कुंज के साधकों और यूनिवर्सिटी के छात्रों को संबोधित किया। अपने संबोधन में संघ प्रमुख ने वसुधैव कुटुंबकम के विचार पर विस्तार से अपनी बात रखी। संघ प्रमुख ने कहा कि भारत पूरी दुनिया को अपना परिवार मानता है। भारत के ऋषि मुनियों ने इस विचार को वसुधैव कुटुंबकम की भावना का नाम दिया। प्रदेश के खेल मंत्री रेखा आर्य ने आउट ऑफ टर्न जॉब को कैबिनेट में पास किए जाने पर सीएम धामी को आभार ज्ञापित किया है। इसको लेकर खेल मंत्री का कहना है कि हमारी सरकार ने पूर्व में खेल नीति लागू की थी, जिसके तहत खेल और खिलाड़ियों के हितों के लिए कई निर्णय लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज ये बड़े ही हर्ष का विषय है कि खेल नीति के तहत आज हमारे उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए आउट ऑफ टर्न जॉब की व्यवस्था कर दी गई है। टर्न जॉब, यह लाइन ही अपने आप में सारी बात कहती है। आउट ऑफ टर्न जॉब का फायदा मैं समझती हूँ कि हर उस खिलाड़ी को होने जा रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय फलक पर, राष्ट्रीय फलक पर उत्तराखंड का नाम रोशन करेगा और निश्चित रूप से वो खिलाड़ी जो है आगे भी अपने भविष्य में लगातार खेलते हुए उत्तराखंड के लिए अच्छा प्रदर्शन करेगा। ऐसे बच्चे मेडल प्राप्त करते हैं तो उनको निश्चित रूप से अपने सरकारी विभागों में सीधे सीधे उनको जो है उनको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। तो ये अपने आप में जो है बहुत बड़ी योजना, आउट ऑफ टर्न योजना खिलाड़ियों के हित में होना अपेक्षित थी। माननीय मुख्यमंत्री जी का वादा भी था, स्वयं मेरा भी कमिटमेंट था और कल कैबिनेट ने इसमें मोहर लगाते हुए निश्चित रूप से हमारे बच्चों की भविष्य को सुरक्षित करने का काम किया।
उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 5 सितंबर से 8 सितंबर तक विधानसभा भवन में चलेगा, जिसको लेकर विधायकों के प्रश्न का जवाब संबंधित विभागों के माध्यम से तैयार किए जा रहे हैं। विधानसभा के मानसून सत्र में इस बार 600 से अधिक प्रश्नों पर सियासी गर्माहट होने की संभावना है। पक्ष और विपक्ष के विधायकों से अब तक 597 प्रश्न प्राप्त हो चुके हैं। सरकार की ओर से सत्र तय करने के बाद विधानसभा सचिवालय तैयारियों में जुट गया है। 4 दिवसीय इस सत्र में जहां विपक्ष जनहित के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष की ओर से जवाब विपक्ष के सवालों का जवाब पूरी तैयारी के साथ देने के लिए होमवर्क भी किया जा रहा है। इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण का कहना था कि विधानसभा के मानसून सत्र को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए तैयारियां पूरी है। जल्द ही अधिकारियों के साथ कानून और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी बैठक की जाएगी। वही साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसको लेकर देहरादून में राज्य निर्वाचन विभाग द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सभी जनपदों के रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर शामिल हुए। उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर वी षणमुगम की अध्यक्षता में इस कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के 12 जनपदों के जिलाधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान ईवीएम मशीनों को वीवीपैट मशीनों की जानकारी दी गई। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी षणमुगम ने बताया है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को किसी तरह की कोई भी समस्या ना रहे, इसके लिए पहले ही चुनाव आयोग के निर्देश पर इस कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मशीनों से संबंधित किसी भी तरह की कोई समस्या या जानकारी के अभाव को कार्यशाला के जरिए दूर किया जाएगा। आयोजित किया गया था ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग, इसका एफएलसी कहते हैं। इसका ट्रेनिंग के लिए हम लोग सभी डीएम डीओ के रूप में काम करेंगे और डिप्टी डीओ है उनका बुलाया है, हमारा ईवीएम की नोडल ऑफिसर है उनका बुलाया है और कमीशन से भी हमारा एक सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर आ रखा है उसका पूरा प्रोसेस को देखने के लिए। हमारा ईसीएल इंजीनियर से हम एफएलसी के दौरान क्या क्या तैयारियां करना है, किसी प्रकार का इसका एफएलसी आयोजित करना है, इसका पर डे रिपोर्टिंग फॉर्मेट क्या है और क्या क्या सावधानी रखना है और इस प्रोसेस को हमने पूरा बताया गया है। अभी प्रेजेंटेशन हमने लेक्चर के थ्रू दिया गया है, उसमें सेकंड हाफ में हम लोग इसका हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी कराएंगे और सभी लोग का हमारा जो ईसीआईएल इंजीनियर है वो इंजीनियर डेमो करके दिखाएंगे। वह देहरादून के जिलाधिकारी सोनिका ने देहरादून कार्यालय में जनता दरबार लगाया और सप्ताह में हर सोमवार के भांति लगाए गए इस दरबार में लगभग 96 शिकायतें प्राप्त हुए, जो जमीन बिजली पानी शिक्षा और घरेलू विवाद से संबंधित रही। इस दौरान सीनियर सिटीजन से जुड़ी ज्यादा शिकायतें प्राप्त हुई। वहीं शिकायतों का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी सोनिका ने त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। 86 प्लस हमारे पास शिकायतें आई हैं और ज़्यादातर शिकायतें लैंड से जैसे होती हैं हर बार, और लेकिन उसके अलावा जो मेजरली आज शिकायतें देखने में आई हैं वो सीनियर सिटीजन्स की आई हैं। काफ़ी मात्रा में यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स आए हैं जिनकी घरेलू किसी वजह से उनकी शिकायतें आई हुई हैं और हमने कंसर्न एसडीएम को बोल दिया है, क्योंकि वो भरण पोषण भी वही देखते हैं, तो एसडीएम उसको एक बार पर्सनली देख लें कि इश्यूज़ क्या हैं और उसे रिजॉल्व करें। आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए प्रदेश सरकार लोगों से सीधा संवाद करने की कोशिशों में जुटी हुई है। इसको लेकर तमाम तरह के कदम भी उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में जिलाधिकारी अब जनता से सीधे संवाद करने के लिए प्रत्येक कार्य दिवस में जनता दरबार लगाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद जनपदों में भ्रमण कर सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लगातार फीडबैक लेने में जुटे हुए हैं। इसको लेकर प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र भरसेन ने कहा है कि जिलाधिकारियों को जनपदों में जनता दरबार, तहसील दिवस और बीडी की नियमित बैठकें करने के भी निर्देश दिए गए हैं। जन समस्याओं का त्वरित निस्तारण हमारा मकसद है। जन शिकायतें और समस्याओं के लिए पत्र प्राप्त हुए हैं, उनको समाधान के लिए शीघ्र संबंधित अधिकारियों को भेजा जाए, जिससे कि आम जनता की समस्या का शीघ्र से शीघ्र समाधान हो सके और जनता को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी चाहते हैं कि जन सामान्य की समस्याओं को सुना जाए और उनका यथास्थान जो है निराकरण किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं जनता दर्शन कार्यक्रमों से जनता से रूबरू होते हैं, इसी प्रकार से मंत्रीगण भी इस कार्य में लगे हैं।
लेकिन अब जिलाधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि वे प्रत्येक कार्य दिवस पर अपने कार्यालय में 2 घंटे तक जनता की बात को सुनेंगे और उनका समाधान करेंगे। तो निश्चित तौर पर जो हम कहते हैं कि सरकार जो है वो जनता के लिए है, तो ये संदेश भी इसके माध्यम से जाता है। इससे जनता की समस्याएं हमारे शासन के सामने, प्रशासन के सामने आती हैं और फिर उनके निराकरण को भी हम उसका मॉनिटरिंग करते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया। वही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर प्रदेश सरकार योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। इसको लेकर उत्तराखंड के मुख्य सचिव पीएस सिंधु ने बताया है कि समिट के लिए योजना के तहत कार्य किया जा रहा है। उद्योगपतियों को उत्तराखंड में इन्वेस्ट करने के लिए तमाम तरह के रोड शो की प्लानिंग कर ली गई है। साथ ही इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर उद्योगपतियों में सकारात्मक रुझान देखने को मिल रहा है। बताया भी जा रहा है कि उत्तराखंड में दिसंबर महीने में इन्वेस्टमेंट समिट प्रस्तावित है। ऐसे में सरकार लगातार निवेशकर्ताओं को उत्तराखंड में निवेश करने के लिए आमंत्रित कर रही है। हरिद्वार में पॉड टैक्सी की योजना फिलहाल अधर में लटकते हुए नजर आ रही है। असल में रोशनाबाद स्थित जिला कलेक्ट्रेट में डीएम और एसएसपी ने योजना को लेकर बैठक की है। इस बैठक में व्यापारी, तीर्थ पुरोहितों और साथ ही साथ होटल व्यवसायियों ने हिस्सा लिया। बैठक में सभी संगठनों ने पॉड टैक्सी योजना का विरोध करते हुए इसे हरिद्वार के धार्मिक स्वरूप के खिलाफ बताया। साथ ही डीएम एसएसपी से योजना को शहर से बाहर ले जाने की मांग की है। इस दौरान पॉड टैक्सी योजना को लेकर तीर्थ पुरोहितों ने जमकर गुस्सा भी जाहिर किया। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि हरिद्वार की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी नहीं है जहां इस योजना को लाया जा सके, क्योंकि जहां से पॉड टैक्सी का रूट निर्धारित हुआ है उस मार्ग पर सबसे ज्यादा यातायात का दबाव रहता है। बिल्कुल खुला विरोध है पीआरटी परियोजना का। पूर्णतः अभी से नहीं, 2 साल पहले से विरोध करते आए हैं और इसका मुख्य कारण है कि जो पीआरटी परियोजना जिसने भी लागू करी है, इसका जो रूट है वो बहुत ही अशोभनीय है और गलत है, क्योंकि जिस एरिया, जिस जगह से ये रूट ले जाने की प्लानिंग कर रहे हैं वो रूट जो है हरिद्वार की भौगोलिक स्थिति को देख के नहीं है। नैनीताल के रामनगर वन प्रभाग में आउटसोर्स और उपनल में तैनात 129 कर्मचारियों ने डीएफओ कार्यालय का घेराव किया और ये घेराव पिछले 8 महीने से वेतन न मिलने से कर्मचारियों ने आक्रोश जताते हुए कार्यालय का घेराव किया। इस मौके पर कर्मचारियों ने डीएफओ दिगंत नायक का घेराव करते हुए कार्य बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। बताया भी जा रहा है कि अभी वन विभाग में अधिकतर आउटसोर्स और उपनल कर्मचारियों के बलबूते ही वन विभाग के कई कार्य चल रहे हैं। हालांकि इन कर्मचारियों को पिछले 8 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिससे कि उनके सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। वहीं इस मामले में रामनगर वन प्रभाग के डीएफओ दिगंत नायक ने कहा है कि हमारे द्वारा आउटसोर्स और उपनल के कार्यरत कर्मचारियों के वेतन को लेकर उच्च अधिकारियों को सूचना दे दी गई है। जल्द ही इन कर्मचारियों की सैलरी उनके खाते में आ जाएगी। सर, अभी हम यहाँ आउटसोर्स में लगभग 8 महीने हो गए सैलरी ले ली है। अभी हम डीपो साहब से मिले हैं, उन्हें 15 दिन का टाइम दिया है। अगर 15 दिन बाद नहीं मिलती है तो हम आग्रह आंदोलन करेंगे। हमारे जो वॉचर्स हैं उनको लगभग 7 महीने, आज 7-8 महीने से सैलरी नहीं हो पा रही। वो हमारे जो बजट हेड है उसमें इनका पेमेंट का वेजेस पेमेंट का हेड में अभी तक हमको बजट प्राप्त नहीं हुआ। ये पूरा उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हर किसी डिवीजन में यही प्रॉब्लम चल रहा है। तो इसको, इसके बारे में ऊपर के स्तर में सभी को पता है और इसका हल भी निकाला जा रहा है। शासन के स्तर पे इसका डिसीजन होना है और डिसीजन जल्दी होने वाला है, हमको ये आश्वासन अभी मिला है। तो 10-15 दिन में इसका होपफुली इसका हल मिल जाएगा। वही पौड़ी में बंदरों के आतंक से निजात दिलवाने के लिए वन विभाग की टीम सक्रिय नजर आ रही है। जिले में पहाड़ी से लेकर मैदानी इलाकों में सक्रिय बंदरों को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम ने उत्तर प्रदेश के मथुरा से टीम को बुलाया है और ये टीम जनपद के विभिन्न ब्लॉकों में जाकर बंदर को पकड़ने का काम कर रही है, जिससे कि ग्रामीण और मैदानी इलाकों में बंदरों की समस्या से निजात दिलाई जा सके। इसको लेकर डीएफओ गढ़वाल अनिरुद्ध स्वप्निल ने बताया है कि पौड़ी में 3 महीने के भीतर 2000 बंदरों को पकड़ने का लक्ष्य रखा गया है। बुलाई गई टीम ने अब तक जिले में पहाड़ी और मैदानी इलाकों में 1200 बंदरों को पकड़ लिया है। उन्होंने बताया है कि पकड़े गए बंदरों को चिड़िया घर या बंद्याकरण में ले जाया गया है। अन्य बचे हुए 800 बंदरों को भी जल्द बुलाई गई टीम द्वारा पकड़ लिया जाएगा, जिससे कि पहाड़ी और मैदानी इलाकों में परेशानी का सबब बन रहे
बंदरों से निजात दिलाई जा सकेगी। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट योजना के तहत जनपद में 2000 बंदर को पकड़ने का टारगेट था 3 महीनों में, जुलाई, अगस्त और सितंबर में। तो आज 20 अगस्त तक हम लोगों ने जनपद में लगभग 1200 बंदरों को पकड़कर चिड़ियापुर में बंध्याकरण हेतु भेज दिया गया है। बाकी जो 800 बंदर है उनको भी पकड़ने की कार्रवाई हमारे द्वारा गतिमान है। जनपद के अन्य कई क्षेत्रों में जैसे पौड़ी, थलीसैन, पोखड़ा और भी अन्य जगह पर हम लोगों ने टीम को तैनात किया गया था। वही देहरादून शिक्षा विभाग जल्द ही 2364 पदों पर भर्ती शुरू करने जा रहा है। प्रत्येक कर्मचारी को हर महीने 15,000 मानदेय दिया जाएगा। स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर होने वाली आउटसोर्स भर्ती में स्कूल के गांव के स्थानीय बेरोजगार को ही प्राथमिकता दी जाएगी। गांव से अभ्यर्थी न मिलने पर संबंधित स्कूल की न्याय पंचायत के बेरोजगारों को पहला मौका दिया जाएगा। आपको बता दें कि आउटसोर्स एजेंसी के तहत चयन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जिस में नियुक्ति का मानक तय कर दिया गया है। शिक्षा कार्यालय में 334 पदों पर भर्ती की जानी है, जबकि 2030 पद स्कूलों के लिए तय है। वहीं अधिकारियों के कार्यालय में भी संबंधित ब्लॉक और जिले के बेरोजगारों का चयन किया जाएगा। में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि अब गांव के बेरोजगारों को उनके ही गाँव में नौकरी मिलने के जो है संभावनाएं बन गई है। आमतौर पर गांव के बेरोजगारों को दाएं बाएं जाना पड़ता है, दिक्कत होती है, और दूसरी ओर शिक्षण संस्थाओं में अगर बाहर के व्यक्ति आकर के काम करते हैं ग्रुप डी में, तो वे आमतौर पर वहां रुकते कम हैं और अपने स्थान पर नहीं रहते। लेकिन अगर गांव का ही युवक वहां पर रहेगा तो निश्चित तौर पर जो हमारे विद्यालय हैं उनमें उसकी उपस्थिति बनी रहेगी और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्र में जो बेरोजगारी की स्थिति है उसके समाधान के लिए भी ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। तो निश्चित तौर पर ये जो कदम उठाया गया है बहुत ही महत्वपूर्ण है और स्वागत योग्य है। उधम सिंह नगर के शक्ति फार्म बैकुंठपुर में आंचलिक बंगाली कल्याण समिति के बैनर तले एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह में बंगाली समाज के उत्थान और विकास में अहम भूमिका निभा रहे विशिष्ट लोगों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में दिनेशपुर, उदयपुर, शक्ति फार्म के अलावा उत्तराखंड में बसे बंगाली समुदाय के लोग उपस्थित हुए और इस दौरान आंचलिक बंगाली कल्याण समिति के क्षेत्रीय अध्यक्ष रामचंद्र राय ने कहा है कि सम्मान समारोह का मुख्य उद्देश्य था कि समाज में कुरीतियों को दूर करना और अच्छे कार्य कर रहे लोगों को उत्साहवर्धन करना। कल्याण समिति की ओर से हकीकत बात यह है कि सरकारी आई और गई, लेकिन इस विषय में अभी तक कोई ऐसा प्रयास नहीं किया गया जिससे स्कूलों में भी ये व्यवस्था की जाए। हमारे यहाँ जो एक पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित था, ये जरूर धामी सरकार जी और माननीय बहुगुणा जी के निर्देशों से हटा है, किंतु जो वास्तविक अभी तक विद्यालय में जो शिक्षा व्यवस्था ये जब तक नहीं होगा मूल रूप से, तब तक बंगालियों का उत्थान होना संभव नहीं है। वही उत्तराखंड के रामनगर की मुख्य बाजार से एक सनसनीखेज मामला सामने आने के बाद शहर में हड़कंप मच गया। दरअसल परिचित युवक से वीडियो कॉल पर बात करना एक युवती को महंगा पड़ गया। युवक ने वीडियो कॉल पर बातचीत के दौरान युवती की आपत्तिजनक फोटो का स्क्रीनशॉट ले लिया है। स्क्रीनशॉट को युवक ने अपने दोस्तों के व्हाट्सएप मोबाइल पर भेज दिया है और युवक के दोस्तों ने इस फोटो को कई ग्रुप में शेयर कर वायरल कर दिया। फोटो वायरल होने पर लड़की के परिवार वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, साथ ही साथ जिसके बाद पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने इस मामले में कृष्णा नाम की एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपी के अलावा पॉक्सो एक्ट के अलावा विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई है। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर में पिछले कई दिनों से हो रही कछुए की तस्करी के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान 3 कछुए के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पूरे मामले को लेकर थाना अध्यक्ष अनिल उपाध्याय ने कहा है कि लगातार कछुए की तस्करी को रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। कुछ दिन पहले भारी मात्रा में कछुआ तस्कर के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इसी कड़ी में आज 3 कछुए के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।